फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज क्या बन रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैन गरम हो चुका है और मैंने ऑयल पहले से डाल के रखी थी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ राई और जीरा और कड़ी का पत्ता। तो मैं इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी, ये राई थोड़ा चिकन जाए। मैं ले रही हूँ कांदा। इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको भूनने का नहीं है, अपने को थोड़ा ही भूनना है। तो आप सब देख सकते हैं मेरी देवरानी बना रही है मसाला डोसा। इसमें मैं ले रही हूँ हल्दी, हल्दी और क्या है इसमें गरम मसाला और ये भुखी मिर्ची मैंने ली। थोड़ा भूनूंगी इसको मैं। इसको थोड़ा भूनने के बाद अभी मैं इसमें ले रही हूँ टमाटो। और अभी टमाटो डालने के बाद थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देंगे हम। सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा मैं इसको रखती हूँ ऐसा। अभी मैं देखती हूँ, ये देखिए टमाटो अभी सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, मैंने जो बटाटा बॉयल करके रखी हूँ इसको बारीक करके इसमें ऐड कर रही हूँ। करीबन आधा किलो मैंने बटाटा लिया था जो मैंने बॉयल करके पहले से ही रखी थी इसमें। हाँ, तो अच्छे से इसमें मिलाने का है। तो आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी दिख रहा है। अच्छे से इसको मिला देंगे पूरी तरह से। और अभी हम इसमें ले रहे हैं नमक, जो मैंने 1.5 चम्मच ले रखा है, उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अभी इसमें ले रही हूँ मैं लेमन जूस और इसमें फिर ले रही हूँ मैं कोथमीर। ऑप्शनल है, कोथमीर अगर लेना चाहें तो भी। इसको अच्छे से मिलाने का है। देख सकते हैं बहुत टेस्टी दिख रहा है। और हम लोग बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा और चाय। चाय तो फिलहाल हमारी बन चुकी है, यह है हमारा शाम का नाश्ता। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो कमेंट में बताएं तो सही कैसा बना है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएँ। और हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करो। और हमारा ये स्टफिंग जो है वो अभी रेडी हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं डोसे की तरफ से। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन गरम हो चुका है और मैं इसको पहले से घोल के रखी हुई थी, पहले से बना के रखी थी। और यहाँ पे अपना स्टफिंग भी मेरी तैयार हो चुकी है। अभी हम लोग चल रहे हैं मसाला डोसा बनाने। देख रहे हैं तवा भी ऑलरेडी गर्म था, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अच्छे से हो जाए। और इसको मीडियम स्लो फ्लेम पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मसाला ली हूँ जो अभी मैं इस पर लगाने वाली हूँ कि ऊपर से भी पूरी तरीके से ये सेक जाए और इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। आप प्लीज़ घर पे एक बार ट्राई करें। ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको फिर हाई फ्लेम पे करें, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम लोग पकने देंगे कि मेरा डोसा जो है अच्छे से पक जाए। तो आप देख रहे हैं ये डोसा जो है वो पूरी तरह से सिक चुका है। अभी हम लोग इसको उठाएंगे और ये देखिए साइड से उठ भी रहा है कि ये पूरी तरह से सिक चुका है। इसको अभी हम लोग उठाएंगे, अच्छे से हो चुका है। अभी हम लोग इसका स्टफिंग करेंगे।
इसके लिए। आप लोग इसको ऐसे ही ट्राई करें, घर पे बना के देखें, काफ़ी टेस्ट है, काफ़ी ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं डोसा पूरी तरह से बन चुका है। और अभी इसको तो अभी आप देख सकते हैं मेरा डोसा तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा अच्छे से बैक साइड से भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप इसको टोमेटो सॉस से या चटनी से ले सकते हैं। कैसा लग रहा है मसाला डोसा? बहुत टेस्टी है ना? आप देख सकते हैं हमारा मसाला डोसा तैयार हो चुका है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना है, और अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।